नमस्कार साथियों, तो चलिए जहां कलम ने छोड़ा था वहीं से आगे बात करते हैं। कलम बात कर रहे थे कि सी के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है। इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस सब को एक बार अपन हल्का सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सी को कब बनाया गया? क्या ईयर था? 1972। ठीक है, सी को कहां बनाया गया? बेल लैब्स के अंदर, बेल लेबोरेटरीज के अंदर। आजकल क्या नाम है इसका? AT&T लैब। ओके, तीसरा, सी के आविष्कारक कौन है? कौन थे? डेनिस रिचीसन। ओके, सी को किन दो भाषाओं से बनाया गया? कौन कौन सी भाषाएं थी? बी और बीसीपीएल, राइट? बीसीपीएल को किसने बनाया? बीसीपीएल को किसने बनाया? क्या था सर? मार्टिन रिचार्ड। यही था, भूले तो नहीं है? बी को किसने बनाया? केन थॉम्सन। हिस्ट्री के बारे में हमारे ये क्वेश्चंस हैं जो सी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, यहां तक कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन? चलिए सर, हमने बात की थी सी के प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोग्राम को कंपाइल व रन करने पर कौन कौन सी फाइल बनती है? कौन कौन सी बनती है सर? .obj एंड .exe। सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है? कौन सी प्रक्रिया है सर? कंपाइलेशन, कंपाइल होता है और लिंक होता है। यही बात की थी अपन ने, कंपाइल होता है और लिंक होता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बोसी। अभी टर्बोसी बात करते हैं, सी का ही एक एडिशन है। टर्बोसी में प्रोग्राम को रन करने का कमांड है, क्या है सर? CTRL + F9
कंट्रोल F9 में क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा, लिंक हो जाएगा और रन हो जाएगा। कंपाइल के लिए क्या है, अल्टर प्लस F9। लिंक के लिए क्या है, F9। और सेव के लिए क्या है, F2। और स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए, ये अभी अपन काम में लेते हैं, देखने के लिए अल्टर प्लस F5। ये तमाम चीजें थी जो कल की क्लास से हमारी निकलकर आती है। आई होप यहां तक की बात सारी चीजें ठीक है। आगे चलें। अब आगे चलने से पहले एक चीज जो हम चाहते हैं कि सी के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाता है, कैसे रन किया जाता है, कैसे सी को इंस्टॉल करें, क्योंकि हमने तो सी को इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम सी के प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, चलिए इंस्टॉल करते हैं। यह मेरा कंप्यूटर है, अपन गूगल से सी को डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल से सी को डाउनलोड कर लेते हैं। यह अपना ब्राउजर है, यहां पर हम लिखते हैं टर्बो सी, सी प्लस प्लस। चलिए टर्बो सी प्लस प्लस, बहुत सारे लिंक आपके पास यहां पर आ सकते हैं। हमने तो जो पहला आया इसी को ले लिया सर। ये हमें टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड करने को कह रहा है, हमने डाउनलोड कर लिया। ये मेरा सी प्लस प्लस डाउनलोड हो गया है, जो भी डाउनलोड मेरा फोल्डर था उसके अंदर मैंने इसको अनजिप कर लिया। अनजिप हो गया, इसके अंदर गए, सेटअप हमारे पास यहां पर है। सेटअप ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगर आपके यहां पर .NET इंस्टॉल ना हो तो ये आपसे पहले .NET इंस्टॉल करने के लिए कहे, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप गूगल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया। यस, ये हो गया मेरा सी प्लस प्लस इंस्टॉल, ठीक है सर। चलिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से चालू करता हूं। देखिए सर, मैंने बिल्कुल स्टार्ट से इसको बंद कर दिया है अभी, ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट ना रहे। ब्राउजर को भी बंद कर दिया। आप यहां पर जाकर भी टर्बो सी प्लस प्लस देख सकते हैं। आपकी ऐप मिल गई आपको, आपने इसको खोल लिया, टर्बो सी प्लस प्लस खुल गया सर। ये बहुत सारी तमाम फाइल्स हैं। कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहां पर लिखता हूं, स्लैश हैश इंक्लूड stdio.h void main। हमने यहां पर कहा printf से सिंपल हेलो, main को मैंने बंद कर दिया। देखिए एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, hash include stdio.h void main। अब ये void क्यों लिखा, main क्या है,
धीरे धीरे अपन आगे बात करेंगे। अभी हम ये मान के चले कि ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, हैश इंक्लूड stdio.h से हमने चालू किया, void main हमारे फंक्शन का नाम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग प्रोग्राम है मैंने कहा था, ब्रेसेज स्टार्ट करने के लिए, प्रिंट एफ हेलो प्रिंट करने के लिए, हेलो को ये प्रिंट करेगा, और जो ब्रेस हमने लगाया है हमारे प्रोग्राम को बंद कर दिया। डिटेल में अपन इन सब की आगे बात करेंगे। मैंने यहां पर कंट्रोल एफ नहीं सेव करना, अगर आपको करना है तो F2 आपके पास है, hello.c के नाम से सेव है ना, F2 से अगर सेव नहीं होगा तो ये आपके वही सेव वाली विंडो खोल देगा जैसे MS Word में खोलता है। कंट्रोल F9 रन हो गया, आपको आउटपुट देखना है, आउटपुट देखने की कमांड क्या थी आपकी, अल्टर F5। देखिए सर आपका हेलो आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोग्राम मैंने रन करने की कोशिश की है, इसमें मैंने बाकी सारी चीजें हटा दी, केवल वो ही चीज रखी है जो कि आपको आवश्यक है ही, इसके बिना आपका प्रोग्राम रन हो ही नहीं सकता, वही सारी चीजें मैंने यहां पर रखी है। राइट सर, अगर आप चाहते हैं भाई अल्टर F5 प्रेस ना करना पड़े तो देखिए हम यहां पर काम में ले सकते हैं getch। getch का एग्जैक्ट यूज क्या है वो तो अपन बाद में बात करेंगे, अभी तो मैंने आपको बताने के लिए getch यहां पर रख लिया, ठीक है सर। देखिए कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, ये एक तो पहले वाला हेलो था, अब दोबारा हेलो आ गया। आपने कहा नहीं सर ये पहले वाले हेलो तो साफ होना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर हम लिख सकते हैं clrscr, क्लियर स्क्रीन की कमांड है, ऐसी ढेरों कमांड है, याद नहीं रख सकते अपन, मुझे तो याद है, आपको धीरे धीरे जब अपन पढ़ेंगे या काम करेंगे तो याद हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, रटना नहीं। ओके कंट्रोल F9, पहले वाला सब साफ हो गया, स्क्रीन को क्लियर कर दिया, हेलो को प्रिंट कर दिया, ठीक है। आपको मैंने एक प्रोग्राम दिखाया था सर्कल का एरिया निकालने के लिए, एक बार उसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। चलिए सर, हमने कहा फ्लोट रेडियस एंड एरिया दोनों ले लिया, आर एंड ए मैंने यही नाम रख लिया, मैंने कहा सर प्रिंट एफ एंटर रेडियस स्कैन एफ परसेंट डी एम्परसेंट आर, ये सिंटैक्स है, आपको इसी तरीके से यूजर से रीड करना पड़ेगा। इक्वल टू आपने कहा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, एरिया आपको निकालना था, आपने कहा सब एरिया इक्वल टू परसेंटेज एफ, ये परसेंटेज एफ क्यों लिखा है ना, परसेंटेज यहां पर परसेंटेज एफ क्यों लिखा, सॉरी डी नहीं एफ आएगा है ना, ये क्यों लिखा, ये सब अपन आगे बात करेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए पूरा प्रोग्राम अगर देखें तो हमने दो फ्लोट वेरिएबल लिए आर और ए, हमने कहा मेमोरी में तो लोकेशन बन गई आर और ए नाम से, clrscr क्लियर स्क्रीन के लिए है, एक मैसेज आपका दिया एंटर रेडियस कि भैया रेडियस एंटर कर दो, स्कैन एफ से हमने उस रेडियस को रीड कर लिया आर के अंदर, एरिया हमने कैलकुलेट किया पाई आर स्क्वायर और एरिया को प्रिंट कर दिया, इतनी सी बात है। अपन को अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि भाई ये फ्लोट क्या है, पता नहीं, ये clrscr क्लियर स्क्रीन के लिए होता है हमें बस इतना पता है, प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए होता है हमें इतना पता है, स्कैन एफ रीड करने के लिए होता है हमें इतना पता है ना, एरिया सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान 22/7 3.14 होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर हमने एरिया निकाल लिया और एरिया को हमने प्रिंट करवा दिया सर। चलिए प्रिंट करवा देखते हैं, रन करते हैं कंट्रोल एफ में, ये हम तो कह रहा है एंटर द रेडियस, जो भी रेडियस है एंटर करें, ठीक है सर।
हमने यहां पर सपोज 5 एंटर कर दिया, एंटर। ये हमसे कह रहा है एरिया जो आपका निकल कह रहा है दैट इज 78.5, दिस इज द एरिया इफ द रेडियस इज 5। ओके, दोबारा रन करके देख लीजिए सर, रेडियस आपने कहा सब रेडियस इज सब 2.5। देखिए सर ये कह रहा है अगर 2.5 रेडियस है देन एरिया विल बी 19.625। डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक का प्रिसीजन लेता है, इसलिए दशमलव के बाद 6 डिजिट तक की वैल्यू आ रही है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। मैंने केवल आपको छोटे से एग्जाम्पल लेके बताया है जिससे कि आपके समझ में आ जाए कि हाँ जो काम हम कर रहे हैं वो काम आपका किस तरीके से होना है, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम रन होगा, कैसे हम सी के प्रोग्राम को रन करेंगे, कैसे सी की प्रोग्रामिंग होती है, ये बिल्कुल डाउट हमें नहीं रखना। ये डाउट हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ सर, तो हमने अभी बात की थी कैसे सी को इंस्टॉल करना है, कैसे छोटा सा प्रोग्राम रन करना है। अब आगे अपन चलें कि सी के प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है, कैसे हम सी के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। चलिए सर, सबसे पहली बात आ गई कैरेक्टर्स का समूह, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। देखिए सर, अपर केस लेटर ए बी सी डी ये सारे है ना, अप टू जेड। स्मॉल केस लेटर ए बी सी डी अप टू स्मॉल जेड। डिजिट्स 0 से 9 तक 1 2 3 4 5 6। और सिंबल्स जैसे प्लस माइनस स्लैश स्टार, ये तमाम सिंबल्स हैं जो कि अपन काम में ले सकते हैं। स्टार हो सकता है और जितने सिंबल्स आपके पास हैं, इक्वल टू साइन आपका है ना, एट द रेट है, बैक स्लैश है, अलग अलग जगह पर क्वेश्चन मार्क है, अलग अलग टाइप के सिंबल्स आपके यूज आते हैं। तो ये तमाम कैरेक्टर सेट है जिसको कि हम सी के अंदर काम में लेते हैं। ओके, चलिए सी के अंदर कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम, सी के अंदर कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम उसके अंदर जितने भी चीजें होती हैं उन सबको हम कहते हैं टोकन। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे आपने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main printf hello press। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, सबसे छोटा प्रोग्राम जो सी का लिख सकते हैं अपन। अभी अपन ने आज ही देखा है, तो इसमें ये हैश क्या है, ये हैश है एक टोकन। इसमें ये इंक्लूड क्या है, ये इंक्लूड है एक टोकन। ये जो एंगुलर ब्रैकेट लिया है क्या है, ये है एक टोकन। ये जो फाइल का नाम है ये क्या है, ये है एक टोकन। ये जो एंगुलर ब्रैकेट है क्या है, ये है एक टोकन। ये वॉइड है क्या है, ये है एक टोकन। ये मेन है क्या है, टोकन। ये ब्रैकेट्स है क्या है, टोकन। ये ब्रेस लिया है क्या है, टोकन। ये प्रिंटेफ है क्या है, टोकन। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है क्या है, टोकन। जो डबल कोट्स है क्या है, टोकन। हेलो है ये क्या है, टोकन। डबल कोट है क्या है, टोकन। ये क्या है, टोकन। तो एवरीथिंग इज टोकन। एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज टोकन। किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हर यूनिट एक टोकन कहलाती है।
Every individual unit of a program is known as a token. Every individual unit of a program is known as a token. And these tokens can be subdivided in five different categories. Keywords, identifiers, literals, कुछ स्पेशल सिंबल्स, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, एंड ऑपरेटर्स. ये स्पेशल सिंबल्स मैं इसको यहां पर चेंज करके स्पेशल सिंबल्स की जगह एक ज्यादा बेटर वर्ड है अपना सेपरेटर. ठीक है, ज्यादा बेटर वर्ड है सेपरेटर. तो इन पांच कैटेगरीज के अंदर हम टोकन्स को डिवाइड करते हैं. सेपरेटर, अगर आप स्पेशल सिंबल लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा वर्ड यहां पर लगता है सेपरेटर. सो एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन, एंड टोकन्स कैन बी सब डिवाइडेड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स. ये क्या क्या होते हैं सब, एक एक की डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहला कीवर्ड. कीवर्ड से हमारा मतलब है कुछ स्पेशल आरक्षित शब्द, रिजर्व वर्ड्स, स्पेशल आरक्षित शब्द. आरक्षित शब्द से मतलब क्या है, जिनका कि अपना एक अलग मतलब होता है सी के अंदर. जैसे अभी अपन काम में ले रहे थे हैश इंक्लूड, तो इंक्लूड का मतलब क्या है, ये सी के अंदर डिफाइंड है. वॉइड हमने काम में लिया, वॉइड का मतलब क्या है, ये सी में डिफाइंड है. हमने फ्लोट लिखा है, क्या है, सी के अंदर डिफाइंड है. तो सी के अंदर कुछ वर्ड फिक्स है, उनका मतलब वही है जो सी मान रही है, और कुछ आप नहीं ले सकते. तो ऐसे शब्द जिनका कि रिजर्व मतलब है, आरक्षित मतलब है, उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड. कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसे सभी शब्द जिनका अपना रिजर्व मीनिंग है, जिनका मीनिंग क्या है, ये सी ने अपना तय कर रखा है, इसके अलावा सी उसको नहीं मानेगा. ओके सर, टोटल सी के अंदर 32 कीवर्ड है सर. सी के अंदर टोटल 32 कीवर्ड है. आम सी, सी के अंदर और सभी जो कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर में, अंग्रेजी के छोटे अक्षर. देखिए सर, जो सी बनाई गई थी, जो बेल लैब्स ने जो सी बनाई, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड तैयार किए गए. आंसी एक इंस्टीट्यूट है, उसने इसके स्टैंडर्ड बनाए और वो हमारी कहलाती है आंसी सी. स्टैंडर्ड सी, स्टैंडर्ड सी भाषा. बाद में जब आंसी सी बन गई, स्टैंडर्ड सी बन गई, अब अलग अलग कंपनीज ने उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और अपनी अपनी अलग एडिशन निकाले. कौन से एडिशन थे साहब, बोरलैंड सी, टर्बो सी वगैरह वगैरह. ये दो पॉपुलर है इसलिए मैंने इन दोनों का लिखा है. ये दो पॉपुलर हैं इसलिए हमने इन दोनों का लिखा है. हम जो अभी काम कर रहे थे किस पर कर रहे थे, टर्बो सी पर. और मुझे पूरा विश्वास है आपने जब अपने कोर्स के अंदर बीसीए, एमसीए, बीटेक, पीजीडीसीए जो भी आपने किया है उसके अंदर जब आपने काम किया होगा तो निश्चित रूप से आपने भी टर्बो सी पर ही काम किया होगा, क्योंकि टर्बो सी पर काम करना आसान होता है. तो जो आंसी सी है, जो स्टैंडर्ड सी है, उस सी के अंदर टोटल 32 कीवर्ड हैं सब. आई होप क्लियर है ये पॉइंट. आंसी क्या है, कोई डाउट नहीं है इसमें. जितने भी कीवर्ड्स हैं सभी स्मॉल लेटर के अंदर. देखिए साहब, नीचे मैंने कुछ लिस्ट दी है 32 कीवर्ड्स की, देखिए सारे स्मॉल लेटर्स में. अब आप देखिए ये वॉइड जो हमने लिखा है ना, ये कीवर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको ये लिख देता हूं ना, दिस इज नॉट ए कीवर्ड, ध्यान रखना. इंट तो कीवर्ड है, पर अगर मैंने इसको ये लिख दिया, नाउ दिस इज नॉट ए कीवर्ड.
क्योंकि कीवर्ड जितने भी सी के अंदर है वो सभी स्मॉल लेटर्स के अंदर है। कभी कभी ऐसे हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है कीवर्ड्स, जो कि हमारे टोकन्स का पार्ट है। इसके बाद अपन आते हैं आइडेंटिफायर्स, पहचान करता। हम जब छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे थे, सर्कल के एरिया निकालने का लिख रहे थे, तो सब हमने यहां पर बात की थी कि हमारे पास दो वेरिएबल हमने रखे थे। कौन कौन से रखे थे? एक तो हमने रेडियस रख लिया था या आर रखा था, और एक हमने एरिया या ए ले लिया था। ये क्या है? हमने कहा था ये मेमोरी की किसी लोकेशन का नाम है जिसके अंदर की हम कोई मान रखना चाहते हैं। ये बात अपने की थी। तो आइडेंटिफायर बेसिकली जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम के एलिमेंट का नाम बताते हैं। किसी अवयव को दिया जाने वाला नाम आइडेंटिफायर या पहचानकर्ता कहलाता है। किसी आइडेंटिफायर, किसी अवयव को जो नाम दिया जा रहा है उसको हम उसका पहचानकर्ता कहते हैं। रमेश, सुरेश, जो भी आपको उचित लगे। एनी नेम गिवन टू एनी प्रोग्राम एलिमेंट इज नोन एज आइडेंटिफायर, पहचानकर्ता। अब पहचानकर्ता का नाम क्या होगा? सब हर नहीं रख सकते, हर कुछ भी नहीं रख सकते। उसमें हर लैंग्वेज के अपने रूल हैं, कुछ रूल्स डिफाइंड है, कुछ रूल्स यहां पर हमने दे रखे हैं। भाई पहचानकर्ता के लिखने के क्या नियम होंगे? सबसे पहला बात है मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर और ए लेटर, अंग्रेजी के अक्षर या अंडरस्कोर से चालू हो सकता है। आप ये नहीं लिख सकते सब, जैसे आपने लिखा किसी का नाम लिख दिया 5A, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि स्टार्ट किससे होना चाहिए? या तो अक्षर से या अंडरस्कोर से। कीवर्ड को पहचानकर्ता के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता। कीवर्ड को पहचानकर्ता के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। किसी का नाम अगर आप रखना चाहेंगे इंट, तो साहब इंट एक आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, क्योंकि इंट तो अपना क्या है, कीवर्ड्स की लिस्ट में हमने पढ़ा था। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स ऑल्सो, भाई यहां पर हिंदी में ये छूट गया है, बाद में डिजिट हो सकते हैं। जैसे आपने किसी का नाम लिखा AB5, हाँ जी ये अलाउड है, बाद में डिजिट हो सकता है, पर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो चालू किससे होगा अपना? चालू तो होगा अंग्रेजी के लेटर से या अंडरस्कोर से, बाद में अंक हो सकता है। ठीक है सर, अब किसी नाम की लंबाई कितनी होगी? जैसे आपने किसी का नाम लिखा सर ABCDEF, लिखते ही चले गए, कितना लंबा होगा? सी ये कहता है कि भाई हमारे यहां तो आरसीसी केवल 31 अक्षर अलाउ करता है, 31 अक्षर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन आरसीसी ने तो डिफाइन कर दिया, पर कुछ कंपाइलर, जैसे हमने कहा भाई बोलैंड है, टर्बो है, बहुत सारे कंपाइलर, कुछ कंपाइलर ने माना कि नहीं साहब हम तो कितना भी अलाउ करें, हमारी मर्जी है। कुछ कंपाइलर ने 31 से ज्यादा अक्षरों के पहचानकर्ता बना सकते हैं, पर ऐसे केस में भी जब वो काम में लेगा तो वो केवल 31 को ही काम में लेगा। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर एटमोस्ट 31, सो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट इन आइडेंटिफायर और सी आर मैक्सिमम 31। आरसीसी कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर, कोई जो पहचान करता है, उसका जो नाम है वो हमेशा 31 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता। सम ऑफ द कंपाइलर्स अलाउ यू टू हैव आइडेंटिफायर फॉर मोर देन 31 कैरेक्टर्स, बट इन दैट केस इवन मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। होप दिस इज क्लियर।
चलिए सर और देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल है। देखिए ये आपके पास नेम, इज इट अलाउड? हाँ सर। देखिए डिजिट से स्टार्ट नहीं है, अंडरस्कोर से कैरेक्टर से स्टार्ट है। यहां पर अंडरस्कोर से स्टार्ट है, हाँ सब अलाउड है। ये अंडरस्कोर से स्टार्ट है अलाउड है, एक्स वाई जेड अलाउड है, रेडियस अलाउड है, ए फाइव फोर अलाउड है, इंटरेस्ट रेट अलाउड है। एक से ज्यादा है अंडरस्कोर से सेपरेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्कोर हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें सेल डैश, डैश तो अलाउड ही नहीं था। फोर फाइव नेम, डिजिट तो से स्टार्ट तो अलाउड ही नहीं था। डबल एक कीवर्ड है, एबीसी डॉलर नहीं सर, डॉलर तो अलाउड ही नहीं है। हमने क्या कहा था, या तो अंग्रेजी के डिजिट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, बाद में भी हो सकता है, और किसकी तो बात ही नहीं की, अलाउड नहीं है। फर्स्ट नेम स्पेस नहीं सब अलाउड नहीं है, प्लस साइन अलाउड नहीं है, डिजिट से स्टार्ट अलाउड नहीं है, डॉट अलाउड नहीं है। आई होप नाउ दिस शुड बी क्लियर कि आइडेंटिफायर्स के नाम क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। अगले दो तीन क्लासेज के अंदर जब हम कुछ प्रोग्राम और काम में लेंगे, तब आप इन सबको प्रॉपरली यूज में ले पाएंगे कि कैसे हम आइडेंटिफायर्स को यूज में लेते हैं। ठीक है साथियों, तो आपने यहां पर वैलिड आइडेंटिफायर्स की बात की, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की बात की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा अगला जो लिटरल था, लिटरल हमने कहा पांच प्रकार के होते हैं, कीवर्ड आइडेंटिफायर लिटरल टोकन, सॉरी टोकन पांच प्रकार के होते हैं। हमने कहा कीवर्ड आइडेंटिफायर लिटरल सेपरेटर एंड ऑपरेटर। अब आ गया अपन लिटरल, लिटरल या कॉन्स्टेंट। क्या मतलब है लिटरल का? जैसे आपने कहीं पर में लिखा पांच, ये क्या है सर? लिटरल है, पांच की वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है, स्थिरांक है ना 2.5, ये क्या है? लिटरल है, इसकी वैल्यू चेंज थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे हैं लिटरल्स, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स को हम कई तरह से लिखते हैं। सबसे पहला आ गया इंटीजर कॉन्स्टेंट, इंटीजर कॉन्स्टेंट, इंटीजर कॉन्स्टेंट। नोट्स को आप अपने पास रखिए, अभी तो जो मैं लिख रहा हूं केवल इस पे दिमाग लगाइए, इसको समझिए। ये जो पीपीटी है ये आपको एज इट इज नोट्स के अंदर मिलने वाली है। इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होगा? पांच, माइनस पांच, जीरो एक दो तीन, है ना, जीरो एक्स एक दो तीन। अब ये पांच का मतलब क्या है? पांच। माइनस पांच का मतलब क्या है? माइनस पांच। जीरो एक दो तीन का मतलब क्या है? एक दो तीन नहीं है। जीरो से स्टार्ट होने का मतलब, जीरो से स्टार्ट होने का मतलब ने का अर्थ है ऑक्टल नंबर। कहीं पर अगर आप लिखते हैं, मान के चले आपने कहीं पर लिखा इंट आई इक्वल टू जीरो एक दो तीन, और आपने इस आई को प्रिंट किया तो रिजल्ट क्या होगा? 103 नहीं होगा। और ये क्या है? ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे करते हैं सर? जीरो एक दो तीन कैसे करते हैं याद कीजिए, तीन गुणा आठ की घात जीरो, दो गुणा आठ की घात एक, एक गुणा आठ की घात दो, आठ उठी चौसठ, प्लस आठ दूनी सोलह, प्लस तीन तिरासी। तो अगर मैं ये जीरो वन टू थ्री को डिस्प्ले करूंगा तो आप ये आई को डिस्प्ले करूंगा, रिजल्ट विल बी 83। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन का पॉइंट है। कहीं पर आपसे कह दिया कि साहब आई इक्वल टू जीरो वन टू थ्री प्लस वन टू थ्री, आई का मान होगा, और आप जोड़ के लिखेंगे बड़े शान से 2 4 6, साहब कॉलर रुचि करते हुए आएंगे सब सही है। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 0 1 2 3 का मतलब तो हो गया 83 और 1 2 3 का मतलब हो गया 1 2 3।
रिजल्ट विल बी 206। किसी भी इंटीजर लिटरल जो जीरो से स्टार्ट होता है उसका मतलब है ऑक्टल नंबर। कोई भी इंटीजर लिटरल अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब है ऑक्टल नंबर। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। अगर कहीं पर आपने लिखा इंट आई इक्वल टू जीरो एक्स वन टू थ्री, जीरो एक्स से चालू कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया हेक्साडेसिमल। मतलब इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 16 की घात 0 प्लस 2 × 16 की घात 1 प्लस 1 × 16 की घात 2। 16 16 क्या हुआ, 256 आई थिंक 256। 16 × 32 देख लीजिएगा, हो सकता है मेरे हिसाब से दिस शुड बी 256। और किसी की भी घात जीरो मतलब क्या हो गया 1 3। वॉट एवर द आंसर, जीरो एक्स से जो इंटीजर लिटरल स्टार्ट होता है उसका मतलब हेक्साडेसिमल होता है। केवल जीरो से जो इंटीजर लिटरल स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है ऑक्टल नंबर। कभी कभी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसमें कि आपका ऐसा कुछ आ गया इंट आई इक्वल टू 0123 प्लस 0x123 और आई का मान निकालिए, तो मुझे लगता है अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप आसानी से इसका मान निकाल पाएंगे क्योंकि जीरो से स्टार्ट होने का मतलब ऑक्टल, 0x से स्टार्ट होने का मतलब हेक्साडेसिमल। दोनों को कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में, और रिजल्ट किसमें आएगा साहब, डेसिमल। यहां तक की बात 100% क्लियर। तो ये हमारे हैं इंटीजर लिटरल्स, ऑल दीज आर इंटीजर लिटरल्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल से हमारा मतलब है जैसे आपने लिखा 2.5 माइनस 2.5 2.5f 2.5d 2.5e माइनस 1 2.5e2 सपोज मान के चले। आप ऐसे बहुत लोगों ने C++ जावा पाइथन अलग अलग लैंग्वेज पढ़ी होगी, इस 2.5 का डेटा टाइप क्या है। सोचिए इस 2.5 का डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे फ्लोट। भैया एक चीज आप नोट करके रख लीजिए, इन एनी ऑफ द लैंग्वेज C++ जावा पाइथन C#, ऑब्जेक्टिव सी, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल फ्लोट नहीं होता। हम गलत पढ़ते हैं, गलत बोलते हैं। एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज ऑफ टाइप डबल, ये डबल है। अब आप कहेंगे साहब क्या फर्क पड़ता है डबल है या फ्लोट है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन ये एक लाइन आप याद रखिए, एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज ऑफ टाइप डबल। हर फ्लोटिंग पॉइंट, हर दशमलव वाला लिटरल डबल टाइप का होता है, डबल डेटा टाइप का
होता है, ये बात यहां पर ध्यान रखने वाली है। अभी अपन और कुछ चीजें इसमें डिटेल में बात करते हैं। -2.5 से मतलब क्या हो गया? -2.5। अगर मैंने कहीं पर लिखा 2.5F, साथ में F लगा दिया, F का मतलब हो गया फ्लोट। नाउ दिस इज फ्लोट। F अगर मैं एक्सप्लिसिटली काम में ले रहा हूं तब इसका मतलब फ्लोट निकल के आता है, ठीक है। अगर मैं 2.5D लिखूं तो मैंने एक्सप्लिसिटली इसको डबल टाइप का बताया है। नहीं बताऊंगा तो भी डबल रहेगा, नहीं बताऊंगा तो भी डबल रहेगा, पर अगर मैं एक्सप्लिसिटली जस्ट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी, अगर मैं रीडेबिलिटी की वजह से इसको डबल लिख देता हूं तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल टाइप का रहेगा। लिखो या ना लिखो रहेगा डबल। 2.5e-1 क्या मतलब हुआ? 2.5e-1 इसका मतलब हो गया 2.5×10^-1 एक्सपोनेंट फॉर्मेट। अगर मैंने लिखा 2.5e2 मतलब क्या हो गया? 2.5×10^2। सब गड़बड़ हो गया है ना, एक बार वापस से इसको देखते हैं। हटा रहा हूं। शुड आई? नोट्स में है, दिख रहा है आपको सारा, सारे एग्जांपल्स नोट्स में है। एक बार वापस से लेता हूं। मैंने कहा भैया 5.6 है, -5.6 है, 5.6F है, 5.6D है, 2.5D है, 5.6E-1 है, 5.6E2 है। हमने कहा 5.6 का मतलब क्या है? डबल नंबर है साहब, ये फ्लोट नहीं है, डबल है, डबल है, डबल है। डबल एक डेटा टाइप होता है, तो इसका डेटा टाइप जो है वो डबल है, डेटा टाइप डबल है, ये बात कर रहे हैं अपन। अगर मैंने F लगा दिया तो ये फ्लोट होगा, अगर मैंने D लगा दिया ये डबल होगा, अगर मैंने e-1 कर दिया तो इसका मतलब हो गया 5.6×10^-1। अगर मैंने 5.6E2 कर दिया मतलब इसका मतलब हो गया 5.6×10^2। बस इतनी सी बात है। तो साथियों, अभी जो हमने पढ़ा, हमने दो लिटरल्स की बात की, हमने इंटीजर लिटरल पढ़ा, हमने फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल पढ़ा। इंटीजर लिटरल में हमने कहा कि जो जीरो से स्टार्ट होने वाले लिटरल हैं उनका मतलब ऑक्टल लिटरल होता है, जो 0x से स्टार्ट होने वाले लिटरल हैं उनका मतलब हेक्साडेसिमल लिटरल होता है। इसी प्रकार से अपन ने फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की बात की, रियल लिटरल्स की बात की, रियल कॉन्स्टेंट्स की बात की। हमने कहा जो रियल कॉन्स्टेंट्स की बात, रियल कॉन्स्टेंट्स आपके पास हैं वो आपके होंगे बाई डिफॉल्ट, रियल जो लिटरल्स हैं वो डबल होते हैं। अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप एफ साथ में लगा देते हैं, अगर आप डबल बताना चाहते हैं, एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हैं तो आप डी बताते हैं। एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा फॉर्मेट में भी काम में ले सकते हैं, तो उसके लिए हमने कहा कि ई का हम यूज में लेते हैं, e-1, e-2, e-5, e-10, व्हाटएवर यू फील बेटर। ये तमाम बात अपन ने आज की, मुझे लगता है इस लेक्चर में अपन यहीं तक रखें, थोड़ा हैवी होने लग जाएगा। देखिए ये किसी भी लैंग्वेज के इंटरनल्स हैं, और क्वेश्चंस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पास हम जाते हैं तो हमेशा बहुत छोटी चीजों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ जो चीजें आपकी लैंग्वेज के लिए जरूरी है, और ये आपके ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो कि हर लैंग्वेज के अंदर सेम रहेंगे। C++, Java, C#, सभी के अंदर जो लिटरल्स हैं, जो सी के अंदर है, वो सारा लिटरल्स का पार्ट एज इट इज वहां पर भी उसी तरीके से काम में लिया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा लिटरल्स अगर हैं तो उनकी बात अपन एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन ये चीजें आपकी फाउंडेशंस हैं, किसी भी लैंग्वेज के फाउंडेशन है कि लैंग्वेज के लिटरल्स जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके जो क्वेश्चन होंगे उनको अपन फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, अगली क्लास से जस्ट।
थैंक यू वेरी मच।